friends and welcome you all to another lecture of accounting standards. I'm sure you would have certainly enjoyed the last lecture where I have given you a detailed background and introduction about accounting standards. Accounting standards kya hai, kyun hai, kaise bane, kis procedure se bane, global scenario kya hai, Indian scenario kya hai, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं टोटल आज इंडिया में प्रिवेलिंग, और वो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें से आप लोगों के सिलेबस में, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सिलेबस में, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कहां कहां किस तरीके से कवर किया. सो ये एक ओवरऑल पिक्चर मैंने आप सभी को दी थी लास्ट वीडियो में, एंड आई एम श्योर यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. 21st April 1977, yes my dear friends, ये वो डेट है जिस दिन पहली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना था. ICAI का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जब बना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के सामने उठा एक सवाल कि अब पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज पे बनाया जाए. In the last lecture, we have seen the composition of Accounting Standard Board, and we got to know that Accounting Standard Board comprises the people, representations from multiple areas, various dignitaries, expertise, people are available in Accounting Standard Board, and they all participate in formulation of a standard. So now they all came up with one question in that mind, that why not to make an accounting standard on inventory that is stock. बिकॉज अगर आप आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पी एन एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इफ यू एनालाइज देम इन टोटैलिटी, सो क्लोजिंग स्टॉक आई मीन इन्वेंट्री एक ऐसा एलिमेंट है जो ट्रेडिंग अकाउंट में भी होता है और बैलेंस शीट में भी होता है. मतलब इट इज एन आइटम विच नॉट ओनली अफेक्ट्स योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बट ऑल्सो अफेक्ट्स योर फाइनेंशियल पोजिशन. And even at times, this inventory is used to manipulate the profit. So everyone came up with an idea, so let's make accounting standard on inventory, and consequently, they came up with accounting standard to valuation of inventory. दोस्तों, आपकी studies को simple बनाने के लिए, आपके studies को और interesting बनाने के लिए, मैंने इस पूरे standard को एक chart में break कर दिया. डोंट वरी, ये चार्ट आप लोगों के नोट्स में ऑलरेडी है, सो आपको ये चार्ट लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं ये चार्ट के थ्रू जो जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, विच विल टेक अनदर 30 to 40 मिनट्स, प्लीज फुल्ली फोकस्ड होकर आप इसे सुनिए. आप कुछ लिखना चाहे, कोई एग्जाम्पल लिखना चाहे, कोई एडिशनल पॉइंट लिखना चाहे, मैं नहीं रोकूंगा आपको, लेकिन आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा कि फुल्ली फोकस्ड होकर ये चार्ट आप लोग सुनिएगा, क्योंकि पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. ये चार्ट जो अभी मैं आपको दे रहा हूं, डाउन द लाइन यू शुड लर्न हाउ टू मेक दिस चार्ट, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड इन योर पेपर नंबर 6, ग्रुप 2 पेपर 6, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, यू हैव टू स्टडी वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और वो इतने सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने का दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने पूरे स्टैंडर्ड को एक चार्ट में ब्रेक कर दो. और जब पूरा स्टैंडर्ड एक चार्ट में ब्रेक होता है तो रिविजन करना बहुत ही आसान होता है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. AS2 talks about two things. One is meaning of inventory and another is valuation of inventory. अगर मैं इस पूरे स्टैंडर्ड को देखता हूं, जैसे भी ये स्टैंडर्ड बना है, तो ये स्टैंडर्ड दो बेसिक ब्रांचेस में डिवाइड है जो मैंने आपके सामने यहां देखा है. वन इज मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड अनदर इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. सो इन्वेंट्री मीन्स एंड इंक्लूड्स थ्री थिंग्स, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. Number one, goods HFS in the ordinary course of business. Now, what do you mean by this HFS? So, ये full form आप लिख सकते हो. HFS का मतलब है held for sale. Held for sale का मतलब है ऐसी चीजें जो आप खरीदते हैं क्योंकि आपको उसे बेचना है. Goods purchased and held for sale in the ordinary course of business मतलब finished goods. So, अगर कोई ट्रेडर है, ट्रेडर कोई चीज खरीदता है तो वो क्यों खरीदता है, क्योंकि उसको आगे वो चीज बेचना है. सो इट इज हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसे हम कहेंगे इन्वेंट्री. ठीक है, ये तो हुआ पहला पॉइंट. नंबर टू, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज. अब इसका मतलब क्या है, तो जरूरी नहीं है कि इन्वेंट्री सिर्फ ट्रेडर के पास होती है. लेट्स टॉक अबाउट अ मैन्युफैक्चरर. So, एक मैन्युफैक्चरर है जो अलग अलग मटेरियल्स को जमा करके उस मटेरियल पे कुछ प्रोसेसिंग करके कुछ नया गुड्स बनाता है और वो गुड्स को बेचता है. तो ये जो मैन्युफैक्चरर अलग अलग रॉ मटेरियल अपने पास स्टोर करके रखता है, इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. सो डोमिनोज का एग्जाम्पल लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है लॉकडाउन के समय.
सो डोमिनोज वालों के लिए पिज्जा एक फिनिश गुड है, और पिज्जा को बनाने के लिए अलग अलग तरीके का रॉ मटेरियल जो वो यूज करते हैं, वो सभी रॉ मटेरियल का उनको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है. दैट इज देयर इन्वेंटरी हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. नाउ अंडरस्टैंड रेंडरिंग सर्विसेज. एज अ टीचर आई एम इन टू अ सर्विस इंडस्ट्री. In order to provide my services in a better manner, I need to maintain stock of certain things. Like, I need to maintain stock of microphone batteries. I need to maintain stock of papers. So, ये सब क्या है? ये वो सारी consumables है जो मैं अपनी सर्विस रेंडर करने में यूज करता हूँ. एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफिस में बहुत सारी स्टेशनरी आइटम्स लगती है, प्रिंटर का टोनर लगता है, पेपर्स लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं. ये सब का उनको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है. ये उनकी क्या है? इन्वेंट्री. सो इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब फिनिश गुड्स. इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज, मतलब रॉ मटेरियल और WIP. एंड मटेरियल्स एंड सप्लाइज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल्स एंड सप्लाइज? इट मीन्स स्टोर्स, स्पेयर्स, कंज्यूमेबल्स एक्सेट्रा. क्या मतलब है इसका? So, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वहां पे मशीन्स को चलाए रखने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके के ल्यूब्रिकेंट्स की जरूरत पड़ती है. दे नीड ऑयल, दे नीड ग्रीसेस, छोटे छोटे टूल्स रखने पड़ते हैं स्टैंड बाय पे अपने पास कभी भी, ताकि मशीन अगर ब्रेक डाउन है तो उसे यूज किया जा सके. ये सभी का जो वो स्टॉक मेंटेन करते हैं, इसको भी इन्वेंटरी कहा जाता है. एक और एग्जांपल यहां देता हूं, शायद आप लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं देखा होगा, बट कुछ कंपनीज होती है जहां पे पॉलिशिंग मशीन्स होती है. पॉलिशिंग मशीन्स क्या काम करती है? गुड्स को फिनिशिंग देने का काम करती है. जैसे कि स्टेनलेस स्टील के जो यूटेंसिल बर्तन जो बनते हैं, ये बर्तनों को चमक देने के लिए लास्ट में जब ये पूरे बर्तन को मोल्ड दिया जाता है, फिर उसको पॉलिशिंग मशीन पे पॉलिश किया जाता है. और जब उनको वहाँ पॉलिश किया जाता है तो कुछ मटीरियल की जरूरत पड़ती है. इट्स एग्जैक्टली लाइक अवर शू पॉलिश. तो जब हम शू पॉलिश करते हैं तो हमें वैक्स पॉलिश की जरूरत पड़ती है, और फिर ब्रश से हम उसको स्क्रब करके शू को शाइन करते हैं. ठीक उसी तरह किसी भी चीज को जब आपको स्क्रब करना होता है तो आपको उसके लिए कुछ मटेरियल की जरूरत होती है, तो वो मटेरियल का स्टॉक उनको मेंटेन करना पड़ता है. दैट विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. अब इन तीन चीजों के अलावा भी इन्वेंट्री में कुछ इंक्लूड होता है और कुछ एक्सक्लूड होता है. मतलब देर आर सम एक्सप्रेस इंक्लूजन्स एंड एक्सप्रेस एक्सक्लूजन्स डिफाइंड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. सो इन्वेंटरी इंक्लूड्स टू मोर थिंग. नंबर वन, अंडरस्टैंड गुड्स परचेस्ड एंड हेल्ड फॉर रीसेल. अब इस चीज को अच्छे से समझिएगा. पहला पॉइंट हमने पढ़ा है गुड्स हेल्ड फॉर सेल, और यहां पे गुड्स परचेस्ड एंड हेल्ड फॉर रीसेल. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है मेरा कोई चीज का बिजनेस है. लेट्स टेक एग्जाम्पल, आई एम अ डीलर इन स्टेशनरी. सो मैं अपने स्टेशनरी के आइटम्स खरीदता हूँ होलसेल मार्केट से और बेच देता हूँ कस्टमर को. ठीक है, दैट्स कवर्ड इन द फर्स्ट पॉइंट, गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. लेकिन अब मैं यहां बात कर रहा हूँ किसी और चीज की, गुड्स परचेज एंड हेल्ड फॉर रीसेल. गुड्स परचेज हेल्ड फॉर रीसेल, इसका मतलब क्या समझना? मैं एक स्टेशनरी शॉपकीपर हूं, स्टेशनरी का जो स्टॉक है वो पॉइंट नंबर 1 में कवर हो रहा है. अच्छे से समझना. अब यहां पे होता क्या है, मेरा कोई रिलेटिव है जो फूड ग्रेन का बिजनेस कर रहा है. ठीक है, वो मुझे कहता है कि भाई अभी ना पल्सेस का रेट कम है लेकिन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा. तो मैं उसको कहता हूं यार एक काम कर, मेरे बिहाफ पे 100 बोरा पल्सेस खरीद के रख ले. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? मेरा काम क्या है? स्टेशनरी का. बट मेरे पास सरप्लस फंड्स पड़ा है, वो सरप्लस फंड्स मैं गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं FD में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं अपने एक रिलेटिव को कह रहा हूँ कि मेरे बिहाफ पे 100 बोरा पल्सेस अभी खरीद के रख ले और फिर उसको स्टोर करके रख लेता हूँ, और 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी मार्केट में पल्सेस के रेट बढ़ जाएंगे मैं उनको बेच दूंगा. अब सवाल ये उठता है कि मैं जो कि एक स्टेशनरी शॉपकीपर हूं, मैंने ये जो ट्रांजेक्शन किया है, आई हैव परचेज्ड द पल्सेस, आई रिटेन्ड इट विद मी एंड देन सब्सिक्वेंटली आई सोल्ड इट. इंटेंशन वाज टू अर्न प्रॉफिट. द क्वेश्चन दैट अराइजेस, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये क्या है? मतलब वो परचेजेस मेरी क्या है? इज इट माय इन्वेस्टमेंट? इज इट माय फिक्स्ड एसेट? इज इट माय इन्वेंटरी?
सो इस सवाल का जवाब दे रहा है ये पॉइंट, इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स परचेज एंड हेल्ड फॉर रीसेल। माय डियर फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस करना, होर्डिंग बिजनेस करना। इसे मारवाड़ी गुजराती लैंग्वेज में कहा जाता है तेजी मंदी का काम करना। तो आपका वो फील्ड नहीं है, आपका काम स्टेशनरी का है, आपका काम फूड ग्रेन्स का नहीं है, लेकिन आपके पास जो सरप्लस पैसा पड़ा है वो सरप्लस पैसे को आप यूज कर रहे हो। क्यों यूज कर रहे हो? ताकि आप उससे कुछ गुड्स खरीद के रखो, गुड्स परचेज एंड हेल्ड स्टोर्ड फॉर रीसेल, सब्सिक्वेंट रीसेल। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एक्सप्रेस इंक्लूजन ओवर हियर इज इनटेंजिबल्स सच एज सॉफ्टवेयर। For a software company, IT company, understand, it's a service industry. What they produce, what they manufacture, I mean, are they dealing in something, are they trading in something? क्या वो कुछ tangible goods में trade कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं? नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो softwares बना रहे हैं, वो technology में deal कर रहे हैं, पर software दिखता नहीं। मतलब अब दो चीजें इस पर अलग अलग समझना। आप कहोगे सर सॉफ्टवेयर तो वो सीडी पे आता है, डीवीडी पे आता है तो दिखती है ना, वो तो टेंजिबल होती है। नो, दैट सीडी और डीवीडी ऑन विच द सॉफ्टवेयर इज रिटन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर। एंड व्हाट इफ यू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, इज देयर एनी सीडी और डीवीडी कमिंग इनटू पिक्चर? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। सो सॉफ्टवेयर फॉर सॉफ्टवेयर कंपनी इज ऑल्सो इन्वेंट्री दैट इज इंक्लूडेड एक्सप्रेसली इन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री पॉइंट्स, दीज आर टू एक्सप्रेस इंक्लूजन एंड वन थिंग इज एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री, दैट नाउ यू अंडरस्टैंड। मेरे पास मेरे फैक्ट्री में पांच अलग अलग टाइप की मशीन्स हैं, समझना अच्छे से। आई हैव फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स इन माई फैक्ट्री। Now, in order to maintain those machines in a good shape, in a good running condition, I am having a general toolbox. Samajhna acche se, bahut ground level ke example de raha hu. I am having a general toolbox. Ye jo general toolbox hai, isme sab hai loose tools. Aur ye loose tools, in paanchon mein se kisi bhi machine ke saath kabhi bhi use kiya ja sakta. Ye jo loose tools hai, ye jo general tools hai, जिसका मैं स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं, ये मेरी इन्वेंट्री। लेकिन अच्छे से समझना, लेकिन जो लिखा है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, बट समझो, लेकिन इफ आई हैव एनी टूल, एनी स्पेयर विच कैन बी यूज ओनली विद अ पर्टिकुलर मशीनरी, मतलब वो टूल या वो स्पेयर को मैं सभी मशीन पे यूज नहीं कर सकता हूं, इट कैन बी यूज ओनली विद अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, देन दैट इज नॉट एन इन्वेंटरी, दैट विल बी कवर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मशीनरी एंड विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट मशीनरी। समझ में आ रहा है या नहीं आप लोगों? मतलब एक सिंपल चीज ध्यान रखना है, जनरल टूल्स इन्वेंट्री, स्पेसिफिक टूल्स एसेट। जनरल टूल्स मींस व्हिच कैन बी यूज्ड विद एनी मशीनरी, स्पेसिफिक टूल्स व्हिच कैन बी यूज्ड ओनली विद अ स्पेसिफिक मशीनरी, दैट इज नॉट एन इन्वेंट्री, दैट इज अ फिक्स्ड एसेट। ये चीज का आपको रखना है ध्यान। सो इन्वेंट्री मींस एंड इंक्लूड्स थ्री थिंग्स, गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज, देन materials and supplies. Inventory includes these two specific things, inventory excludes this one specific thing. इस चीज को आपके पास लिख के रखना, मतलब ये जो पॉइंट लिखा है ये तो मैंने दिया ही है, बट फिर भी loose tools dash inventory, specific tools dash asset, correct? So I hope ये first branch आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से हर standard को divide करना है और एक एक स्टैंडर्ड का स्कोप हमें देखना है, क्योंकि एक चीज समझ लेना, जब आपको किसी स्टैंडर्ड से अगर चार्ट बनाना है तो आपको वो स्टैंडर्ड को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे पेपर्स फटेंगे, बहुत सारे स्क्रिबल्स बनेंगे, रफ पेजेस होंगे, चिंता मत करो, लेकिन एंड ऑफ द डे जब चार्ट बन जाएगा सो यू विल ऑब्जर्व कि आपका वो स्टैंडर्ड आपके दिमाग में फिट हो चुका होगा, करेक्ट? आते हैं इस स्टैंडर्ड के सेकेंड पार्ट में, एंड दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब जब हम समझ चुके हैं कि इन्वेंटरी होती क्या है,
पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम देखेंगे कि ये इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। हाउ डू यू डू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी? वेल, ये हमारे लिए नया नहीं है। क्यों नया नहीं है? क्योंकि ये चीज हम बचपन से देखते हैं। दोस्तों रिकॉल करो स्टैंडर्ड 11th का फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, जिसका पहला एडजस्टमेंट होता था बिकॉज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज दिस मच एंड द मार्केट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज दिस मच। और फिर हमें हमारी टीचर्स कहती थी कि बेटा दोनों में से जो भी कम हो वो ले लेना। यस, मुझे तो यही कहा था, शायद आपको भी यही कहा, बेटा दोनों में से जो भी कम हो वो कंसिडर कर लेना। कॉस्ट प्राइस कम है तो कॉस्ट लेना, मार्केट प्राइस कम है तो मार्केट प्राइस लेना। लेकिन क्यों ऐसा करना इसका लॉजिक नहीं बताया। 11th-12th स्टैंडर्ड पे तो एटलीस्ट इसका लॉजिक नहीं बताया। मैंने एक बार हिम्मत की पूछने की, मैंने कहा मैम प्लीज मुझे बताइए ऐसा क्यों है, प्लीज टेल मी। और मुझे आंसर मिला, मुझे आंसर मिला। पता है क्या आंसर मिला? गेट आउट ऑफ द क्लास। ओफ, कोई बात नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट टीचर, आई एम स्टिल थैंकफुल टू दैट टीचर, और मैं आज आपके सामने आया हूं वो लॉजिक लेके। हम ऐसा क्यों करते थे? फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में इन्वेंट्री की कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से लोअर ही क्यों लिया जाता था? तो दोस्तों उसका रीजन है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, विच सेज दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट समझना। इन्वेंट्री शुड बी ऑलवेज वैल्यूड ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नाउ यू विल से सर हमने तो वहां पे मार्केट प्राइस देखा है, सेलिंग प्राइस देखा है, ये कौन सा नया वर्ड आप बता रहे हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू? रुको, समझो, मैं पहले वही वर्ड आपको एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू? सो देखिए वहां मैंने क्या लिखा, फॉर अ ट्रेडर, ट्रेडर मीन्स जो गुड्स खरीदता है और गुड्स एज इट इज बेच देता है उसको कहते हैं ट्रेडर। फॉर अ ट्रेडर एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स नथिंग बट इट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है वही उसका एनआरवी होगा। सो अगर ट्रेडर है तो हम कौन सी दो अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर है और गुड्स अभी तक पूरी तरह बने नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट WIP सेमी फिनिश्ड गुड्स है, तो आपको एनआरवी ये इक्वेशन यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये इक्वेशन क्या कहता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अंडरस्टैंड, अगर मैन्युफैक्चरर के गुड्स बन गए हैं पूरी तरह, फिनिश गुड्स आर रेडी, तो हमें उसका सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। समझ में आया? बट इफ द मैन्युफैक्चरर्स गुड्स आर सेमी फिनिश्ड इनकम्प्लीट WIP, सो वी विल हैव टू कैलकुलेट कि अगर ये WIP के गुड्स को हम कंप्लीट करके बेचते हैं तो हमें कितना पैसा रियलाइज होगा, उसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कैसे निकालते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसको कंप्लीट करने में और कितना कॉस्ट लगेगा, माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, सो दैट विल गिव अस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो ये दो फिगर्स को जब हम कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू को, और दोनों में से जो कम होता है उस प्राइस पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है। अब एक सवाल जो आप मुझसे पूछेंगे, यू विल आस्क अ क्वेश्चन टू मी दैट सर व्हाई इज इट वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। यू कैन सी आई हैव रिटन इट इन अ डिफरेंट कलर। व्हाई इज इन्वेंट्री वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, व्हाई नॉट हायर? और इसका सीधा आंसर है कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। क्या कहते हैं हमारे सर प्रूडेंस? हमारे सर प्रूडेंस कहते हैं ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी अकाउंटेड बट एंटीसिपेटेड गेन्स शुड नॉट बी अकाउंटेड। सो अगर आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया है और अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, वैसे लॉजिकली क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए। बट अभी जो सिचुएशन है, बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल है, आप देखो अभी ये सिचुएशन में आप देखिए इतने सारे मॉल्स, इतनी सारी दुकानें, स्पेशली नॉन एसेंशियल कमोडिटीज के शॉप, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फुटवेयर्स, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्लोथिंग, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, ये सारी दुकानें दो महीने से, ऑलमोस्ट दो महीने से बंद है।
अब 2 महीने बाद जब भी ये दुकानें खुलेगी तो आपको नहीं लगता कि इन लोगों के पास जो इन्वेंट्री है शायद वो इन्वेंट्री थोड़ी खराब हो गई हो? आई मीन ये पेरिशेबल गुड्स नहीं है बट दे आर वल्नरेबल टू लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रोडेंट्स, लाइक रैट्स, ऑल दोस थिंग्स. सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके ये जो गुड्स है वो डैमेज हो गए हो, जिसके वजह से उनके प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से भी कम हो गई हो, और उस केस में फिर ये प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना पड़ेगा दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस. बिकॉज लॉजिक मैंने आपको क्या बताया, प्रूडेंस. प्रूडेंस कहता है आपको एंटिसिपेटेड है कि आपकी मार्केट प्राइस कम होने वाली है, मतलब आपका लॉस है. तो लॉस है तो बिना देरी किए उसकी अकाउंटिंग कर लेना चाहिए. अब हम आते हैं इस पूरे चार्ट के, दिस एंटायर चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज दिस वन वर्ड, कॉस्ट प्राइस. वी विल सी ओवर हियर दैट कॉस्ट इंक्लूड्स व्हाट एंड कॉस्ट एक्सक्लूड्स व्हाट. तो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है और कॉस्ट में क्या क्या एक्सक्लूड होता है. आप देखो कितने प्रॉपरली हम एक एक ब्रांच को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और एक प्रॉपर फ्लो हमें दिखाई दे रहा है. और आपको ग्रुप 2 में एक चीज पढ़ना है इन द सब्जेक्ट एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम नोन एज फ्लो चार्ट. सो दिस इज समवॉट रिलेटिंग टू द फ्लो चार्ट. ये चार्ट बनाने के लिए पहले आपको डेटा का फ्लो ऑब्जर्व करना पड़ता है. सो देखते हैं इन्वेंट्री इंक्लूड्स व्हाट, वी विल सी. बट इन्वेंट्री एक्सक्लूड्स 4 थिंग्स. जो भी हम यहां पढ़ रहे हैं ये सब आप कनेक्ट कर सकते हैं. NCF Foundation, we studied topic chapter number 6, Inventory Valuation. NCF Foundation, we studied a topic, Consignment Account, where we did Valuation of Closing Stock. In Cost and Management Accounting, we studied topic Material Cost. ये सभी कुछ एक साथ यहां apply होने वाले. Inventory की Cost Price में 4 चीजें exclude होती है. नंबर 1, ऑल द एबनॉर्मल आइटम्स. क्लासिकल एग्जांपल लिख लो आपके पास, एबनॉर्मल आइटम मींस एबनॉर्मल लॉसेस. याद कीजिएगा कंसाइनमेंट अकाउंट के क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में जो हमने पढ़े थे. व्हेनेवर वी यूज टू कैलकुलेट द स्टॉक विद कंसाइनिंग, वी यूज टू ऑलवेज सब्सट्रैक्ट एबनॉर्मल लॉस. व्हाई? बिकॉज एबनॉर्मल लॉस इज एन एबनॉर्मल अमाउंट, एन एबनॉर्मल अमाउंट इज नेवर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंट्री. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इट इंक्लूड्स स्टोरेज कॉस्ट. याद कीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट में मैंने आपको पढ़ाया था, हमने पढ़ा था दैट कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लिए जाते हैं बट रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं लिए जाते हैं. और वहां पे हमने एक चीज देखी थी, वेयर हाउस रेंट, गोडाउन रेंट इज अ स्टोरेज कॉस्ट एंड देयरफॉर रिकरिंग होने की वजह से वो हम इन्वेंट्री के वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते. सो ये आ गया दूसरा पॉइंट. एडमिन ओवरहेड्स and selling and distribution overhead, because again their nature is recurring. जब तक goods है तब तक ये expense होते रहेंगे और इसी वजह से यहाँ पे include नहीं होगा. तो दोस्तों अगर CA foundation के consignment को आप यहाँ लाके connect करते हैं intermediate के AS2 के साथ, तो आप देखो studies कितनी आसान हो जाएगी, एकदम simplify हो जाएगी. So कोई भी तरीके का abnormal item inventory की cost में include नहीं किया जाएगा. एक और example मैं आपको देता हूँ abnormal item का, फिर हम आगे बढ़ते हैं. You have purchased some product, समझना, और वो product को आपने एक ट्रक में लोड किया. वो ट्रक की कैपेसिटी है सपोज 4 tons, एग्जाम्पल लेते हैं. और आपने वो ट्रक में 5 ton मटीरियल लोड किया है, ओवरलोड किया है. एंड नाउ दैट मटीरियल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेलर्स प्लेस टू योर प्लेस, ठीक है. अब ये 4 ton के ट्रक में 5 ton सामान भर के आप ला रहे हो, रस्ते में पुलिस वाले ने पकड़ लिया. मैं हर एग्जाम्पल जो दे रहा हूं उस पर क्वेश्चन है, बाद में समझना. रास्ते में पुलिस वाले ने पकड़ लिया, चालान बना दिया एक्स्ट्रा, आपने ओवरलोडेड करके ट्रक ले जा रहे हो, पुलिस वाले ने चालान बना दिया. आपके गोडाउन में ट्रक पहुंचता है, ट्रक वाला आपसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो लेता ही है और ये पेनल्टी भी आपसे रिकवर करता है, ठीक है. अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पेनल्टी के अमाउंट को इन्वेंटरी की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए या नहीं. माय सिंपल क्वेश्चन, द केस ओवर हियर इज, आई मीन
How should I calculate rate per kg or rate per unit? Is it the basic cost plus transportation cost divided by total number of units, or is it basic cost plus transportation cost plus penalty cost divided by total number of units? So answer is option A, that is basic cost plus transportation cost divided by total number of units. Why? Because penalty paid is an abnormal amount, and any type of abnormal amount is never considered in cost price. समझ में आ रहा है? तो ये चीज का बहुत अच्छे से रखना है ध्यान। अब हम देखते हैं कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो कॉस्ट में दोस्तों तीन चीजें यहां इंक्लूड होती है, आप देख रहे हैं। What are those three things included in the cost? So, सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं कॉस्ट में इंक्लूड होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट प्राइस। सेकेंड इज कन्वर्जन कॉस्ट एंड थर्ड इज अदर कॉस्ट। सो कॉस्ट एक्सक्लूड्स फोर थिंग्स, कॉस्ट इंक्लूड्स दीज थ्री थिंग्स, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। अब हम इन तीनों को एक एक करके प्रॉपर तरीके से यहां पे देखते हैं ये किस तरीके से देखा जाएगा। करेक्ट, एक एक करके समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉस्ट ऑफ परचेज, देखते हैं समझते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज में हमें तीन चीजें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, देन कॉस्ट फॉर्मूला एंड देन लास्ट इज कॉस्ट टेक्निक्स। कॉस्ट ऑफ परचेज मीन्स व्हाट? कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग एन इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन। जो मैंने कहा है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या कहा है मैंने? कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंटरी मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग एन इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन। क्या मतलब है इसका? सो मैं आपको फिर से वही एग्जांपल देता हूं कि पुणे का होलसेल वेजिटेबल मार्केट है, मार्केट यार्ड, ठीक है। दो अलग अलग बंदे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान। एक निगड़ी में रहता है, निगड़ी में वेजिटेबल सेलर है, और दूसरा सदाशिव पेट का वेजिटेबल सेलर है। अब ये दोनों बंदे जाते हैं मार्केट यार्ड में, होलसेल वेजिटेबल मार्केट में, टू बाय द वेजिटेबल्स। नाउ दे बॉट टोमेटोस एट अ सेम प्राइस, बेसिक कॉस्ट रिमेन सेम, and they both transport their respective tomatoes to their respective shops. So जो सदाशिव पेट वाला है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक है, तो वो अपने खुद के गाड़ी पे आगे पीछे रख के अपने टोमेटोज को ट्रांसपोर्ट कर लेता है। लेकिन जो निगड़ी वाला है उसको एक टेम्पो हायर करना पड़ता है, वो टेम्पो में टोमेटोज को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। वो टेम्पो जब पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट से क्रॉस करके पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट्स में जाते हैं, तो उसे वहां पे कैंटोनमेंट टैक्सेस भी पे करना पड़ता है। मेरा सवाल आपसे क्या है, सुनिएगा, क्या इन दोनों के टोमेटोज की सेलिंग प्राइस सेम होगी? Will they sell tomatoes at the same price? Both the vegetable vendors who have bought tomatoes at the same price, basic cost is same, are they going to sell their tomatoes at the same price? And the answer is no. And the reason is this definition. Cost of inventory means and includes all the cost incurred to bring an inventory to present location and saleable condition. माना basic cost same है, but उसे आपकी present location पे लाने की cost दोनों की अलग अलग है। तो जो बंदा पिंपरी चिंचवड़ में tomatoes ला रहा है, उसको उन basic cost में transportation cost add करना पड़ेगा, उसको वो basic cost में cantonment tax add करना पड़ेगा। ये अब नॉर्मल नहीं है, ये सब नॉर्मल अमाउंट्स है। हाँ, अगर पुलिस वाले ने पकड़ा तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था अब नॉर्मल अमाउंट्स कंसिडर नहीं होंगे। सो ये चीज समझना है कि कॉस्ट मीन्स व्हाट। सो आप अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, आई इंपोर्ट अ मशीनरी, मशीनरी नहीं, चलो मशीनरी तो ऐसे का एग्जाम्पल हो जाएगा। मेरा एलमंड्स का काम है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में मेरा क्या है, एलमंड्स का काम है, आई एम अ ट्रेडर इन एलमंड्स। I import almonds from California, USA. California में almonds की farming की जाती है, वहाँ से मैं truck भर के container भर के almonds को इंडिया में import करना चाहता हूँ। So मैं सबसे पहले California का जो farmer है उसको कुछ basic amount pay करूँगा, that will be included in the cost.
वो एलिमेंट्स वो फार्मर के फार्म से लोकेशन से जाएंगे नियरेस्ट पोर्ट तक, ट्रक से जाएंगे, तो मैं वो ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बेयर करूंगा। वो लोडिंग अनलोडिंग होगा और वो ट्रक से अनलोड होके शिप में लोड होगा, मैं वो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस पे करूंगा। वो शिप वाले को जो भी फ्रेट पे करना होगा वो भी उसके कॉस्ट में ऐड होगा। अब ये शिप 45 टू 50 डेज लगेंगे इंडिया पहुंचने के लिए, रास्ते में समुंदर ओशियन में शिप को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो मुझे बहुत नुकसान होगा, तो मैं करता हूं ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये ट्रांजिट इंश्योरेंस भी इसमें ऐड होगा। ये शिप पहुंचता इंडिया, मैं शिप को अनलोड करवाता हूं, मैं इंपोर्ट ड्यूटी पे करता हूं, ये भी उसमें ऐड होगा। मैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को कमीशन पे करता हूं, दिस विल ऑल्सो बी एडेड टू द कॉस्ट। आई लोड दोज एलिमेंट्स इन अ ट्रक एंड ब्रिंग इट टू माई लोकेशन इन पुणे, दैट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड फ्रॉम मुंबई टू पुणे विल ऑल्सो बी एडेड एंड देन आई स्टोर इट इन माई वेयरहाउस। वेयरहाउस चार्जेस एड नहीं होगा, देखो हमने ऊपर देखा। सो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो सारी चीजें जो हमने पे किए टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन विल बी एडेड टू द कॉस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है, माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट एडेड। कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स बताने जा रहा हूं समझने का। ट्रेड डिस्काउंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट। एनी टाइप ऑफ रिफंडेबल टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस जो पहले आप पे करते हो और बाद में रिफंड होते हैं, मतलब जिसपे आप जीएसटी की लैंग्वेज में कहते हो जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है, आईटीसी अवेलेबल होता है, दोज टैक्सेस आर नेवर कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। बट इफ द टैक्सेस आर नॉन रिफंडेबल देन यू विल हैव टू एड इट टू द कॉस्ट। सिंपल चीज, अगर कोई चीज मेरे पॉकेट से बाहर गई है और वो परमानेंटली चली गई है, मुझे वापस मिलने वाली नहीं है, वो मेरी कॉस्ट है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर कोई चीज पॉकेट से बाहर निकली और टेम्परेरी और बाद में वापस आएगी, देर इज अ ड्यूटी ड्रॉबैक, देर इज एन इंसेंटिव, देर इज अ सब्सिडी, देर इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो नॉन रिफंड, तो वो रिफंडेबल बन जाएगा और वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां समझना है। कॉस्ट फॉर्मूला, कॉस्ट फॉर्मूला मतलब मेथड्स। दोस्तों हमने सीए फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 6 इन्वेंट्री वैल्यूएशन में देखा है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होती है। देर आर वेरियस मेथड्स अवेलेबल टू वैल्यू इन्वेंट्री, लाइक लीफो, फीफो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, वेटेड एवरेज मेथड एंड लॉट ऑफ अदर्स मेथड्स आर अवेलेबल। लेकिन इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स अलाउबल है, माइंड आई मीन विच मेथड्स आर अलाउड बाय AS2। सो दीज थ्री मेथड्स आर अलाउड बाय AS2, सिम, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, करेक्ट। एंड कमिंग टू द कॉस्ट टेक्निक्स, कॉस्ट टेक्निक्स आर ऑफ टू टाइप, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रिटेल कॉस्ट। इफ यू कनेक्ट टू मार्जिनल, इफ यू कनेक्ट टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सो हमने ये टेक्निक्स वहां पे डिस्कस की है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रिटेल कॉस्ट। आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मींस द कॉस्ट इंकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। पहले समझना, आप टेलर के पास जाते हैं, लड़कों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं एग्जाम्पल क्योंकि सब लोग रेडीमेड पहनते हैं, बट लड़कियों के लिए हो सकता है ये रेलेवेंट हो। आप लोग टेलर के पास जाते हैं एक सूट का, एक ड्रेस का क्लॉथ लेके, पीस लेके, और वो टेलर से कहते हैं कि भैया इसका आप सूट बना दीजिए, इस क्लॉथ को आप सूट बना दीजिए। सो आप टेलर को जो टेलरिंग चार्जेस पे कर रहे हैं ना, ये पूरे ट्रांजेक्शन में, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। मतलब कपड़े से सूट बनाने की जो कॉस्ट होती है उसे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहा जाता है। द कॉस्ट टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सो इफ आई कन्वर्ट इट अरिथमेटिकली, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब कॉस्टिंग से कनेक्ट हो गया। Production overheads is also known as worked overheads, also known as manufacturing overheads, also known as production overheads, factory overheads भी कहा जाता है। Overheads मतलब indirect material plus indirect labor plus indirect expenses, but they which are relating to production of the goods. Overheads हमने देखा है costing के अंदर अलग अलग type के होते हैं, administration overheads, selling overheads, distribution overheads। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं production overheads की, क्योंकि अगर आप ये chart देख रहे हैं
तो अगर आपको याद है तो एक्सक्लूजन्स में एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूड हो चुका है, तो कॉस्ट में इंक्लूड सिर्फ क्या होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मींस एक कपड़े को ड्रेस में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट होती है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अरिथमेटिकली इट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वेरी वेरी सिंपल। अब यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये सारी चीजें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में देखी है, ध्यान रखिएगा, दे आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐसे प्रोडक्शन ओवरहेड जो लगना ही लगना है, चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, कम हो ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि सर एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी सभी का प्रोडक्शन बंद है, ठीक है, मेरे फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन फ्लोर है, वो प्रोडक्शन फ्लोर पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, चाहे मशीन चले या ना चले, कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मुझे पे करना ही पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। बट इफ आई ऑपरेट माय मशीन तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कुछ ज्यादा आएंगे, मतलब जो फिक्स मंथली आता है वो तो आएगा ही, उसके अलावा कुछ आएगा, दैट इज वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब यहां समझने वाली बात क्या है, ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। बहुत अच्छे से सुनो, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, पहली बात वो फिक्स रहते हैं, उसका प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। सेम चीज हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में देखी है, चैप्टर नंबर 4, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। सो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। ये जो पार्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये क्वेश्चंस में आएगा, तो अच्छे से समझ लेना, दिस विल गिव यू फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। बट अगर हम बात करते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल वेरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। सो द एब्जॉर्प्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, नॉट नॉर्मल प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब क्या, अगर यूनिट है तो ये ओवरहेड्स है, अगर यूनिट्स नहीं, प्रोडक्शन नहीं, तो ये ओवरहेड्स नहीं। अगर कम प्रोडक्शन है तो वेरिएबल ओवरहेड्स कम होंगे, अगर ज्यादा प्रोडक्शन है तो वेरिएबल ओवरहेड्स ज्यादा होंगे। सो इनका एब्जॉर्प्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। सो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों इसका, यहां पे टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन अदर कॉस्ट। अगर इसके अलावा भी कोई कॉस्ट यहां पे इंक्लूड नहीं है तो उसको आपको यहां कॉस्ट में कंसिडर करना है। So my dear friends, at an outset, this is all about accounting standard 2. Accounting standard 2 दो चीजों के बारे में बात करता है। So जैसा मैंने आपको last lecture में कहा था that every standard, हर accounting standard आपको चार चीजें बताएगा, RMPD, recognition, measurement, presentation, disclosure. So first thing is recognition. What is R in this standard? So वो पहली वाली branch है, क्या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन्वेंट्री है या नहीं है, ये है पहला सवाल। आर, एक बार आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये इन्वेंट्री है, फिर हम उसका करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री विल बी वैल्यूएड लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो कैसे करना है ये पूरा हम अभी देख चुके हैं, ये सीन हम समझेंगे, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट। फिर आता है प्रेजेंटेशन, How the inventory is presented. So presentation में बाकी laws भी बहुत important role play करते हैं। जैसे आपको याद हो तो हमने Companies Act 2013 में देखा है कि opening stock और closing stock separately नहीं दिखाया जाता है, instead we show changes in inventory. We have to show inventory separately of raw material, WIP and finished good. So this is presentation and then last is disclosure. So disclosure requirement जो AS1 की है उसके अलावा यहां स्टैंडर्ड की कोई disclosure requirement है तो बहुत सिंपल, you have to disclose in your notes to accounts the method used for valuation of inventory. If during the year any inventory is obsolete, खराब हो गई है,
डिटोरियोरेट हो गई है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, करेक्ट। सो आई होप ये चार्ट आपको समझ में आया होगा, और इस चार्ट को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो हैविंग अंडरस्टूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टर्न टू आवर नोट्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट एग्जामिनेशंस एज वेल एज आरटीपी फ्रॉम अ वेरी गुड बुक, रेफरेंस बुक ऑफ CADS रावत सर, the person known as the father of accounting standards. So दोस्तों ये आपके notes हैं जिसके अंदर आप देखेंगे तो मैंने आपको chart already यहाँ पे दिया है। एक word यहाँ miss हो गया है तो आप उस word को यहाँ ज़रूर लिख लीजिएगा, that is other cost. So everything whatever I have explained you in the chart is given over here. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं पढ़ते हैं question, let's start. Question number 1. A private limited company manufacturing fancy terry towels has valued its closing inventory of finished goods at realizable value, inclusive of profit and export cash incentive. अब ये क्या मतलब होता है export cash incentive का? तो ये incentive word का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, कुछ words मैंने आपको बताए थे, I have told you duty, drawback, फिर एक वर्ड मैंने आपको बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट, और फिर एक वर्ड बताया था इंसेंटिव्स, करेक्ट। मतलब आप एक्सपोर्ट करोगे और आपको गवर्नमेंट वो पैसा एक्सपोर्ट ड्यूटी का पैसा वापस देगी, मतलब रिफंडेबल टैक्स है। फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिसीव्ड एंड गुड्स वर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट बट द ओनरशिप ऑफ दीज गुड्स हैव नॉट बीन ट्रांसफर टू द फॉरेन बायर्स। तो जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है वो गुड्स के ओनर कौन होगा? सेलर ही होगा, मतलब जब तक बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर दी जाती। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों और मैंने आंसर्स के साथ दिए हैं, तो आंसरिंग पैटर्न भी देखिएगा। केस स्टडी हमारे सामने रखी गई है कि एक कंपनी है, दो चीज़ें हैं, वो कंपनी ने कुछ गुड्स फॉरेन बायर्स को सेल कर दिए हैं बट वो गुड्स पैक करके रखे हैं बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, और दूसरा वो गुड्स के वैल्यूएशन के बारे में बात की है। देखते हैं क्या है आंसर। एज टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री स्टेट्स दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। द स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट एट सर्टन स्टेजेस इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज सच एज व्हेन एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड और मिनरल ओर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड परफॉर्मेंस मे बी सब्सटेंशियली कंप्लीट प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन जनरेटिंग रेवेन्यू। इन सच केसेस व्हेन सेल इज अशोर्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और अ गवर्नमेंट गारंटी और व्हेन मार्केट एग्जिस्ट एंड देयर इज अ नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेलियर टू सेल द गुड्स आर ऑफन वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट सर्टन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये स्टैंडर्ड अपनी एक पॉलिसी की बात कर रहा है, हमने चार्ट में पूरा स्टैंडर्ड कवर कर लिया है बट कुछ जो स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं वो ये क्वेश्चंस के साथ कवर हो जाएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है कि कुछ सर्टन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की वो बात कर रहा है। कौन से इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है? लाइक एन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है, हार्वेस्टिंग इंडस्ट्री, सच एज व्हेन एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड और मिनरल्स ओर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड परफॉर्मेंस मे बी सब्सटेंशली कंप्लीट प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब आपने इवन दो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया बट आपकी तरफ से अगर परफॉर्मेंस सब्सटेंशली कंप्लीट हो चुका है तो इन सच केसेस व्हेन सेल इज अश्योर्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने फॉरेन ब्रांचेस पढ़ाया था, वापस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड टुडे ऑन फॉर अ फ्यूचर डेट। तो आज हम लोग मिलके एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं जहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 2 साल बाद आपसे ये कुछ गुड्स खरीदूंगा और आप कह रहे हो 2 साल बाद आप मुझे बेचोगे, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और अ गवर्नमेंट गारंटी और व्हेन मार्केट एग्जिस्ट एंड देयर इज अ नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेलियर टू सेल द गुड्स आर ऑफन वैल्यूड एट NRV एट सर्टन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। Terry towels do not fall in the category of agriculture crops and mineral ores. Very important point. मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप्स और मिनरल ओर्स ये इंडस्ट्री के लिए, ये जो यहाँ पे लिखा है ना स्पेसिफिक इंडस्ट्री,
तो ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर क्रॉप्स और मिनरल ओर्स। टेरिटोरियल्स डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ और मिनरल ओर्स अकॉर्डिंगली टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट स्टेटेड द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स शुड हैव बीन वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी एंड नॉट एट एनआरवी वैल्यू। फर्दर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर रिकॉर्डेड ओनली इन द ईयर द एक्सपोर्ट टेक प्लेस। देयरफॉर द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर वैल्यूइंग ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू AS2। करेक्ट। सो ऐसा कुछ थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन आ भी सकते हैं, RTP में कवर्ड था इसलिए मैंने यहाँ कवर्ड किया है। ऑन 31 मार्च 2017 अ बिजनेस फॉर्म फाइंड्स द कॉस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश्ड यूनिट ऑन दैट डेट एज ₹530। सो ये 530 क्या है? कॉस्ट प्राइस। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है पार्टली फिनिश्ड यूनिट, मतलब WIP। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड इन 2017-18 बाय एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310। मतलब ₹530 ऑलरेडी लग चुका है और उसे और कंप्लीट अगर करना है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इज 310। द फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर ₹750। मतलब 750 क्या है उसकी सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस। सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब ये गुड्स को बेचा जा सकता है लेकिन उस पर 4% ब्रोकरेज देना पड़ेगा। द फर्म सीक्स योर एडवाइस रिगार्डिंग द अमाउंट एट विच फिनिश यूनिट शुड बी वैल्यूड एज ऑन 31 मार्च 2017 फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अज्यूमिंग दैट द पार्टली फिनिश यूनिट कैन नॉट बी सोल्ड इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म एंड इट्स NRV जीरो विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर। मतलब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम NRV के अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्यों लेते हैं। तो ये उसका कारण है कि जनरली जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं ना उसकी NRV जीरो होती है। तो अभी हमें करना है यहाँ पे क्या, हमें सिंपली करना है वैल्यूएशन ऑफ दिस वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश गुड्स। और इसका वैल्यूएशन करने के लिए हमें दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। कौन सी दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी? एक कॉस्ट प्राइस और दूसरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। करेक्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री इज गिवन टू यू 530। देखिए मैंने नीचे सोल्यूशन दिया ही है, हमें निकालना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, देखिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। हाउ मच इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? दैट इज ₹750। ठीक है, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। सेकेंड लाइन में दिया है इफ दीज यूनिट्स आर टू बी कंप्लीटेड यू हैव टू इनकर ₹310, उसको करेंगे माइनस, और माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। ब्रोकरेज के बारे में बात की है आपसे कि 4% ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो ₹750 इंटू 4% दैट बिकम्स ₹30 एज ब्रोकरेज। सो अगर मैं ये करता हूँ माइनस, तो 750 माइनस 310 माइनस 30 दैट बिकम्स 410। सो ये 410 मेरी क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो सवाल पूछा है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे होगा, तो AS2 कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV एंड आंसर ओवर हियर विल बी ₹410। सो आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रेजेंट करना है। नीचे सोल्यूशन मैंने दिया है, RTP मई 2019 का क्वेश्चन है एंड इट कैन बी वेरी वेल आस्क्ड फॉर 5 मार्क इन योर एग्जामिनेशन। करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो ईजी होना ही है। चलो कोई बात नहीं, इसमें भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, डोंट वरी, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज RTP नवंबर 2018 क्वेश्चन, लेट अस सी। ए लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल वाई फॉर विच रॉ मटेरियल एक्स इज रिक्वायर्ड। दो अलग अलग वर्ड्स है समझना, एक है वाई और एक है एक्स। फर्क क्या है? कॉस्टिंग में भी मैं यही आपको सिखाता था, फर्क क्या है? केमिकल वाई जो है वो है हमारा फिनिश्ड गुड और केमिकल एक्स जो है वो है हमारा रॉ मटेरियल। सो हम बना रहे हैं केमिकल वाई जिसके लिए मटेरियल चाहिए एक्स। द कंपनी प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। रॉ मटेरियल एक्स की इंफॉर्मेशन आपको दी है, कॉस्ट प्राइस
अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब आज अगर मैं वो गुड्स की बदले दूसरा मटेरियल एक्स लेके आता हूँ रिप्लेसिंग इट, तो वो मुझे कितने में मिलेगा. और केमिकल वाई, फिर से मैं यहाँ इसके आगे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो. केमिकल वाई जो है वो मेरा फिनिश गुड है. फिनिश गुड का मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड हमें दिया है. मतलब एक तरीके से ये हमें क्या दिया है, फिनिश गुड की कॉस्ट शीट दे दी हमें, है ना, टोटल कॉस्ट शीट. एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए नीचे कुछ. टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द ईयर वॉज रुपीज 4 लाख ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट्स. ओके, अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन किया है कि कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स. और प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हमें स्प्लिट करना होता है फिक्स्ड और वेरिएबल में. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी. सो रुपीज 4 लाख इज माय टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी है 20,000 यूनिट्स. सो दैट बिकम्स रुपीज 20 पर यूनिट. फिक्स्ड ओवरहेड्स है 20 रुपीज पर यूनिट. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल एक्स वॉज 1,000 यूनिट्स एंड केमिकल वाई वॉज 2,400 यूनिट्स. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. टैक्स हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड केमिकल वाई अकॉर्डिंग टू AS2 व्हेन फॉलोइंग आर द टू अजम्पशंस गिवन टू यू. अब मैं ये अजम्पशन पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है वो मैं आपको बताना चाहूँगा और मैं आपको लिखवाना भी चाहूँगा, वो आप लिख लीजिएगा. ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये बेस्ड है पैरा 24 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. पैरा नंबर 24 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का, That is an exception to rule of AS2. क्या कहता है AS2? That inventory should be valued at lower of cost price or market price. बराबर है, समझ में आया सभी को? लेकिन इस rule का एक exception है और वो exception define किया गया है paragraph number 24 of accounting standard 2 में. पहले ये क्वेश्चन से डील करते हैं और फिर मैं आपको वो डिक्टेशन भी दे दूंगा, मतलब छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं, डोंट वरी. पहला अजम्पशन है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ केमिकल वाई. फिर से रिपीट करना चाहूंगा, केमिकल वाई हमारा क्या है, फिनिश गुड इज रुपीज 800 पर यूनिट. ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं वैल्यूएशन. व्हेन नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ केमिकल वाई इज रुपीज 800 पर यूनिट, तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट अजम्पशन के अंदर हमें करना है, दिस इज फर्स्ट अजम्पशन, एनआरवी ऑफ वाई इज रुपीज 800 पर यूनिट. हमें सिंपल चीज देखना है, क्या है, रॉ मटेरियल एक्स और फिनिश्ड गुड्स वाई, इन दोनों की हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और विच एवर विल बी लोअर दैट विल बी दी वैल्यूएशन. सो एनआरवी ऑफ Y is rupees 800 per unit and closing stock quantity दिए हैं हमें Y की. चेक कीजिए Y की closing stock quantity क्या है, it is 2400 units. चलो मैं थोड़ा और खुल के लिखता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. So 2400 units into 800 rupees per unit, है ना, 2400 into 800 that becomes 19,20,000. ये तो है total net realizable value. अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है cost price of chemical Y finished goods. ये तीन figures हमें चाहिए principally, फिर हमारा ये solution हो जाएगा. कितनी होगी कॉस्ट प्राइस केमिकल वाई की, चेक करते हैं. सो केमिकल वाई में 440 रुपीज़ का मटेरियल लगा है, करेक्ट.
120 रुपीज का लेबर लगा है, सो 440 प्लस 120 दैट बिकम्स 560 रुपीज प्लस 80 रुपीज के वेरिएबल ओवरहेड्स एंड 20 रुपीज के फिक्स्ड ओवरहेड्स, मतलब कितना अमाउंट होता है मैं लिख लेता हूँ या ब्रैकेट में आप लोगों के लिए। सो 440 प्लस 120 560 प्लस 80 प्लस 20, सो 560 प्लस 100 दैट बिकम्स 660 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 2400 यूनिट्स। तो 660 मल्टीप्लाइड बाय 2400 दैट बिकम्स 1584,000। सो फिनिश गुड वाई की कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास एनआरवी भी है, एस टू के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे तो दोनों में से लोअर क्या है 1584,000, उस पर ये वैल्यूएशन किया जाएगा। करेक्ट, आई होप ये सबको समझ में आया। अब हम आते हैं और करते हैं वैल्यूएशन रॉ मटेरियल एक्स का, क्योंकि पैराग्राफ 24 जो कि एक्सेप्शन है वो रॉ मटेरियल से डील करता है, फिर भी हम देखेंगे समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं रॉ मटेरियल एक्स के बारे में आपसे क्या कहा। व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी 1000 यूनिट्स, उसकी हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 380 रुपीज इज द बेसिक कॉस्ट प्लस 20 रुपीज इज अनलोडिंग एंड 40 रुपीज इज फ्रेट। सो 380 प्लस 20 इज 400 प्लस 40 इज इक्वल टू 440 रुपीज। क्या पढ़ा था हमने, मैंने स्टैंडर्ड में आपको क्या पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मींस एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एन इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन। सो 380 में खरीदा 20 रुपीज और 40 रुपीज उस पर खर्चा हुआ, टोटल कॉस्ट हो गई 440 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1000 यूनिट्स। तो 440 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यूनिट्स दैट बिकम्स 440,000 इज द बेसिक कॉस्ट। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू चेक करो कितनी दी है, आपसे कहा है वहाँ पे कि इट इज़ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 300 रुपीज़, मतलब आज अगर आप वो एक्स को रिप्लेस करते हैं बेचते हैं तो आपको 300 रुपीज़ मिलेंगे। सो दैट बिकम्स 300 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000 यूनिट्स एंड दिस वैल्यू बिकम्स हाउ मच 3 लाख रुपीज़। अब मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ कुछ ट्विस्ट है आप लोगों के लिए। अगर मैं AS2 का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करता हूँ तो रॉ मटेरियल X का वैल्यूएशन होना चाहिए कितने पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV कितना है, दैट इज 3 लाख रुपीज़। इट शुड हैव बीन डन एट 3 लाख रुपीज़, लेकिन आंसर 3 लाख नहीं होगा, आंसर होगा 440,000। और ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है पैरा 24 ऑफ AS2। समझिएगा क्या कहता है पैरा 24 ऑफ AS2। इफ NRV ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, देन raw material is valued at its cost price even though net realizable value of raw material is less than cost price। लिख लो, पढ़ लो, समझ लो, फिर मैं आपको लॉजिक भी बता दूंगा इसका। अब यहाँ मैं नाम लिखता हूँ वो प्रोडक्ट का जिसके बारे में हम कर रहे हैं बात। हम यहाँ फिनिश गुड्स में बात कर रहे हैं वाई की और रॉ मटेरियल में बात कर रहे हैं एक्स की। आपसे कहा है कि अगर वाई का एनआरवी कॉस्ट से ज़्यादा है, क्या वाई का एनआरवी कॉस्ट से ज़्यादा है, आंसर है हाँ। कैसे, वाई की कॉस्ट हमने निकाली थी 660 रुपीस और एनआरवी कितना है 800 रुपीस। तो ये बात तो ठीक है कि 660 रुपीस दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस एंड थोड़ा उधर लिखना चाहिए, एनआरवी कितना है 800 रुपीस, इट इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस 660 रुपीस। मतलब इफ दिस इज द केस देन पैरा 24 अप्लाइज। लेकिन पैरा 24 किसके बारे में बात करता है, इट इज एक्सेप्शन टू AS2 फॉर वैल्यूएशन ऑफ
रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। समझ में आ रहा है? तो रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होगा, इवन दो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कम है तो भी। मतलब यहां पे पता है क्या हो रहा है, यहां पे जो हमारा रॉ मटेरियल एक्स है उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू है सिर्फ 300 रुपीस और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 440 रुपीस। सो इवन दो एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट प्राइस बट स्टिल वी विल नॉट डू वैल्यूएशन ऑन एनआरवी, वी विल डू वैल्यूएशन ऑन कॉस्ट प्राइस। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, लॉजिक लिख लो यहां पे। मेरा रॉ मटेरियल माना अगर मैं उसको रॉ मटेरियल की तरफ बेचता हूं तो सस्ता है, लेकिन भाई अगर मैं उसको फिनिश गुड में डाल के बेच दूं ना तो वो रॉ मटेरियल बहुत अच्छा प्राइस कमा के देगा मुझे। मतलब रियली स्पीकिंग मेरा तो कोई लॉस ही नहीं हो रहा है। ये है लॉजिक पैराग्राफ नंबर 24 का। समझ में आ रहा है आपको मेरी चीज? मतलब मैं रॉ मटेरियल को अगर रॉ मटेरियल की तरह ही बेचूं तो ये AS2 का लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे वैल्यूएशन करना चाहिए। बट मैं वो रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड में यूज कर रहा हूं उस फिनिश गुड से मैं जितनी ज्यादा वैल्यू एड कर रहा हूं तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि मेरे रॉ मटेरियल की वैल्यू कम हो गई है। इनफैक्ट ये रॉ मटेरियल की वजह से ही मेरे फिनिश गुड की वैल्यू बढ़ गई है, दैट मीन्स देर इज़ नो एंटिसिपेटेड लॉस एंड देयर फॉर आई कैन नॉट प्रोवाइड इट एट लॉस, एंटिसिपेटेड लॉस। सो वैल्यूएशन विल बी डन एट कॉस्ट प्राइस। लेकिन अब यहाँ कंडीशन नंबर टू देखो क्या है। कंडीशन नंबर टू में क्या किया है, आपसे कहा है कि फिनिश गुड की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 600। अब समझना यहां पे ट्विस्ट है, यहां आपके साथ खेल लिया गया है। फिनिश गुड की वैल्यू कम कर दी गई है, 660 हमारा कॉस्ट प्राइस था फिनिश गुड का और अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसका कर दिया 600। तो क्या केस होगा, देखो मैं इसी के पास ब्लू में लिखता हूं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज हाउ मच 600, एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच 660। मैं यही फिगर्स लिखता हूँ रॉ मटेरियल एक्स का, रॉ मटेरियल एक्स का एनआरवी है 300 और कॉस्ट प्राइस होगा 440 रुपीस, करेक्ट। सो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, दोनों ही केसेस में आप देखोगे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एनआरवी। देखते हैं क्या है सोल्यूशन। When net realizable value of chemical Y is 800 per unit, NRV is greater than the cost of finished good that is 660. Refer working note, जो मैंने लिखा है वही working note है. Hence, raw material and finished goods are to be valued at cost. So value of closing stock will be as under. तो यही valuation हमने किया है. मतलब ये जो है this is the answer to the first part of the question. लेकिन अगर सेकंड पार्ट में आपसे कहा है कि ये वाली सिचुएशन बन रही है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो इसके आंसर को भी हम कर लेते हैं प्रेजेंट। आइए आपके रजिस्टर्स में और प्रेजेंट कीजिए आंसर अंडर सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, एनआरवी ऑफ वाई इज रुपीस 600 पर यूनिट। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है AS2 का, इसमें तो अब कोई एक्सेप्शन वाली बात ही नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस एनआरवी, रॉ मटेरियल एक्स की कॉस्ट प्राइस क्या है 440 रुपीस इनटू 1000 यूनिट्स और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 300 रुपीस इनटू 1000 यूनिट्स। सो दिस बिकम्स 440,000, दिस बिकम्स 3 लाख रुपीस। दोनों का लोवेस्ट क्या है 3 लाख रुपीस, तो वैल्यूएशन होगा 3 लाख पे, है ना।
फिनिश गुड वाई की अगर बात की जाए तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकाली थी हमने, 660 रुपीज़ इंटू 2400 यूनिट्स, मतलब ये फिगर चेंज नहीं होगी, 15,84,000, लेकिन इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू चेंज हो गई है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 600 रुपीज़, दैट इज़ बिलो द कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2400 यूनिट्स। तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 2400 ये होता है 14,40,000। सो AS2 का प्रिंसिपल क्या कहता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो दिस विल बी द वैल्यूएशन, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पैराग्राफ 24 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में, दिस इज एक्सेप्शन टू AS2 फॉर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ इन्वेंटरी। समझ में आ रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल डिपेंडेंट होता है फिनिश गुड पे, इसीलिए रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करते समय हमें फिनिश गुड्स की भी NRV को ऑब्जर्व करना है। अगर फिनिश गुड की NRV कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो रॉ मटेरियल विल कंटिन्यू टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस इवन दो इट्स NRV इज लेस। रीजन इज वेरी सिंपल, जब हम वो सस्ता रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड बनाएंगे तो हम इवन दो रॉ मटेरियल सस्ता है बट फिनिश गुड को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर NRV ऑफ फिनिश गुड इज लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड तो रॉ मटेरियल को भी हम डिग्रेड करेंगे, उसकी भी कीमत कम कर दी जाएगी। सर ये कहाँ यूज़ हो सकता है, किस एग्जांपल्स में यूज़ हो सकता है, लेट्स टेक अ क्लियर एग्जांपल ऑफ ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, एक कंपनी है जो ग्राउंडनट ऑयल बनाती है, तो उनके लिए ग्राउंडनट ऑयल हो गया फिनिश गुड, और उन्होंने ग्राउंडनट ऑयल बनाने के लिए जो ग्राउंडनट्स खरीदे हैं वो उनका क्या है, रॉ मटेरियल। तो अगर सस्ता रॉ मटेरियल खरीद के वो जो ऑयल बनाएंगे वो ऑयल अगर महंगे भाव में बेच सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राउंडनट की कीमत जितनी दिख रही है उससे ज़्यादा है। यही पूरी चीज़ मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है पैराग्राफ 24 में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक्चुअली मैं ये पैराग्राफ स्टैंडर्ड के साथ नहीं एक्सप्लेन करना चाहता था, क्योंकि उस समय मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता था तो यू वुड हैव गॉट कन्फ्यूज, दैट इज़ वाई आई हैव एक्सप्लेन यू ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस सी, इट्स RTP नवंबर 2019 एग्जामिनेशन क्वेश्चन। देखते हैं क्या ये क्वेश्चन। हेलो लिमिटेड परचेज गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 lakhs इन अक्टूबर, टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 75% ऑफ द स्टॉक वर सोल्ड, मतलब 25% अभी भी है। द कंपनी वॉन्ट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट ₹5 lakh। अब समझने वाली बात है, टोटल गुड्स 20 लाख में परचेज किए, 75% गुड्स बेच दिए, मतलब व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो 20 लाख इनटू 25% 1/4 है ना, तो वो कितना होगा, ₹5 lakhs। कंपनी wants टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 5 lakh, शायद इसी कारण से, द एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू इज 5.5 lakh एंड अ कमीशन एट 10% ऑन सेल इज पेबल टू द एजेंट। You are required to ascertain the value of closing stock. मतलब cost price हमें पता है, हमें इसका net realizable value निकालना है, तो net realizable value कैसे निकालेंगे, 5.5 lakhs is the selling price, लेकिन वो बिकेगा तब जब हम agent को 10% commission देंगे, मतलब 55,000, मतलब net realizable value होगा 4,95,000। So accounting standard 2 के हिसाब से inventory should be valued at lower of cost और NRV, I can see that NRV is low over here, so the closing stock should be valued at 4.95 lakh rupees. बहुत ही easy question है ये। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा है इसके शुरुआत में कि मैंने इस नोट्स में इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके लिए अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन यहाँ पे फेच किए हैं। I have compiled questions for you guys from ICAI's RTPs, all the RTPs available till now. Then I have compiled question from past examination questions. I have compiled some selective illustrations from ICAI module. अगर कुछ repeat हो रहा है तो मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिया है, and then I have taken question from DS Rawat sir's book, which is a very very good book. अगर lockdown नहीं होता था तो I would have told you to buy this book, published by Taxman Publication,
स्टूडेंट्स गाइड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय सीए डीएस रावत, अ वेरी गुड पर्सन, अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. इंदुगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2010. द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 550 कंप्यूटर्स. इट हैज़ द पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग फिनिश्ड स्टॉक ऑफ गुड्स एट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.8 लाख पर कंप्यूटर. द डिटेल्स ऑफ कॉस्ट आर एज अंडर. सो कंपनी की पॉलिसी है कि वो हर कंप्यूटर को 1,80,000 रुपीज पे वैल्यू करती है और 550 कंप्यूटर्स का क्लोजिंग स्टॉक है. अब ये कैसे निकाला है उन्होंने, उसका कैलकुलेशन आपको दिया है. रॉ मटेरियल कंज्यूम इज 400 लाख्स. सो मैं क्या करता हूँ, उसको लेता हूँ कैलकुलेटर पे. डायरेक्ट लेबर इज 250, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इज 150 एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज 290. सो ये टोटल हो रहा है 1090. ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ. और ये 1090 को शायद उन्होंने 550 से डिवाइड किया है. नहीं, 1.8 नहीं आ रहा है. ओके, क्या किया है देखना पड़ेगा. ट्रायल एंड एरर करते हैं. 1090 माइनस 100 इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 550. यस, सो ये जो 1090 आया दैट इज़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 100 लाख्स. ओके, सो 1090 में से इंटरेस्ट को माइनस किया है. मतलब ये क्वेश्चन है, हम उसको समझ रहे हैं, मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर को ही नहीं आता है. इंटरेस्ट रुपीज़ 100, सो ये होता है 990. और 990 लाख्स को डिवाइड किया है 550 कंप्यूटर से और फिर उन्होंने निकाला है रुपीज़ 1.8 लाख पर कंप्यूटर. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन. सो हमें करना क्या है यहाँ पे, एग्जैक्टली कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट पर कंप्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. एक कंप्यूटर की हमें कॉस्ट निकालनी है. एक्चुअली मुझे लग रहा है जो हमने कैलकुलेट किया वही कॉस्ट प्राइस है, फिर भी पढ़ लेते हैं नीचे. एज पर AS2 ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज फिनिश स्टॉक ऑफ गुड शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. सही बात है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से यूज नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करना होता है. इन दिस केस फिनिश स्टॉक हैव बीन वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1.8 लाख पर कंप्यूटर विच इंसिडेंटली सिंक्रनाइजेज द वैल्यू कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज अंडर. मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट 1.8 लाख एब्जॉर्प्शन कॉस्ट 1.8 लाख से मैच हो रही है. ये मात्र एक सहयोग है जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई समानता नहीं है. अगर किसी व्यक्ति या घटना के साथ इसकी समानता होती है तो आप देख लो. मतलब यार सिंपल है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ. ये 1.8 की जगह अगर यहाँ 2 लाख रुपीज होता था तो ये 2 लाख रुपीज क्या होती थी, दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट. हमें निकालना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉस्ट. मतलब आंसर मैंने ऊपर ही सॉल्व कर दिया. ये देखिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट लिया, डायरेक्ट लेबर लिया, वेरिएबल ओवरहेड्स लिए, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 290, उसमें से इंटरेस्ट को करना है हमें माइनस. इंटरेस्ट को क्यों माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चार्ट में बताया था, 4 things आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, ऑल एबनॉर्मल आइटम्स, देन स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सो इंटरेस्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड देन कम्स द टोटल कॉस्ट ऑफ 990 डिवाइडेड बाय 550. सो कॉस्ट पर कंप्यूटर कम्स टू 1.8 लाख. पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एज पर AS2. अब बच्चा यहाँ गलती ये करेगा कि बच्चे का आंसर आएगा 1.8 और क्वेश्चन में भी दिया 1.8, तो बच्चा कहेगा कि कंपनी की पॉलिसी बिल्कुल सही है. कंपनी का अमाउंट सही आया, ये सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ इंसिडेंटली हुआ है, बट कंपनी की पॉलिसी गलत है. कि याद कीजिए, मैंने अभी चार्ट में आपको कॉस्ट टेक्निक सिखाई थी और यहाँ टेक्निक गलत हो गई है. द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में बी यूज फॉर कन्वीनियंस इफ द रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट्स टू द एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज रेगुलरली रिव्यूड इफ नेसेसरी. इन द इंस्टेंट केस द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैन बी कन्वीनियंटली कैलकुलेटेड एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, देयरफॉर देयर इज नो रीजन दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड. मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पूरी तरह किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट टेक्निक. सो AS2 हमें क्या सिखाता है दोस्तों, AS2 हमें सिंपल चीज सिखाता है दैट वी शुड यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. करेक्ट, सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ चार्ट से ही हम सारी चीज़ें कवर करते हैं. चार्ट
कॉम्प्लीमेंटेड विद द क्वेश्चन विल कंप्लीट योर ओवरऑल नॉलेज फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. छोटे छोटे पॉइंट्स है, ध्यान रखना है. इसीलिए ये हैंडआउट्स आपको दिए हैं, इसीलिए नोट्स दिए हैं. जहाँ पे हो इसके पास ये सारी चीज़ें लिख के रखिएगा. जैसे कि हमने जो एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन देखा था, पैरा 24 वाला 3 नंबर, इसके पास लिख के रखना है. ये पैरा 24 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी हमने देखा है, इसके पास आपको यहाँ लिख के रखना है कि ये कॉस्ट टेक्निक पे बेस्ड है क्वेश्चन. तो आई थिंक सब हो गया है. सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है. देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, फिर आपको होमवर्क मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 6, रॉ मटेरियल वॉज परचेस्ड एट ₹100 पर kg. प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑन द डिक्लाइन. ओके, द फिनिश गुड इन विच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट. अब समझना, जैसे ये वाली लाइन आ गई ना, द फिनिश्ड गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब यहाँ दो इन्वेंट्री की बात हो रही है. एक है रॉ मटेरियल और दूसरा है फिनिश गुड. और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है दोस्तों, आपके माइंड ने आपको सिग्नल देना चाहिए कि यहाँ पैरा 24 की बात हो रही है. तो आपसे ये कहा है कि एक रॉ मटेरियल है जो आपने खरीदा है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्राइस है ₹100, ठीक है. लेकिन प्राइस इज ऑन द डिक्लाइन, इसका मतलब है NRV जो है ना वो ₹100 से कम है. इट इज़ लेस देन ₹100. द फिनिश गुड इन विच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड, अब ये बात कर रहे हैं FG की, इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट, मतलब इसकी जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उससे कम में ये फिनिश गुड बिकने वाला है. 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज इन स्टॉक एट द ईयर एंड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 80 पर kg. चलो दे ही दिया आपको NRV, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दिया है ₹80. हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री, सिंपल है. पैरा 24 क्या कहता है, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन डिपेंडेंट है किस पे, फिनिश गुड पे. क्या कहता है पैराग्राफ 24, इफ NRV, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझना, इफ NRV ऑफ FG इज ग्रेटर देन CP ऑफ FG, जो कि यहाँ पे नहीं है, देन अगर ऐसा होता है देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस. ये क्या है, पैरा 24 है. क्या यहाँ पे NRV FG से कम है, नहीं. तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, और NRV है ₹80, मतलब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन, रॉ मटेरियल कितना है, 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल है. तो ये 10,000 kg का वैल्यूएशन होगा एट द रेट ऑफ ₹80, दैट बिकम्स ₹8 lakhs, करेक्ट. लेट्स चेक अवर आंसर. लास्ट 2-3 लाइन्स में हमें आंसर मिल जाएगा. कैसे प्रेजेंट किया है वो भी पढ़ लेते हैं एक बार. एज पर पैरा 24 ऑफ AS2 ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मटेरियल एंड अदर सप्लाइज हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ फिनिश गुड्स इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबाउ कॉस्ट. हाउएवर when there has been a decline in the price of materials and it is estimated that cost of FG will exceeds NRV, the material are written down to NRV. In this circumstances, the replacement cost of material may be best available measure of NRV. Hence, in this case, stock of 10,000 kg of raw material will be valued at ₹80 per kg. If on stock, should be valued at cost or NRV, whichever is lower. So, दोस्तों आप देख रहे हो कि सिर्फ अमाउंट्स निकालना ज़रूरी नहीं है, आंसर का लॉजिक भी आपको यहाँ लिखना पड़ता है. पैराग्राफ 24 के बारे में लिखना पड़ेगा. पैराग्राफ 24 वैसे तो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि एट इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्शन नंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर और इस तरीके से पैराग्राफ नंबर याद रखे, लेकिन रिकमेंडेटरी है. और मैं कहूँगा कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स इसे प्रैक्टिस करते हैं तो एक पॉइंट आता है जब आपको ये ऑटोमेटिकली याद रहने लगता है. और वैसे भी हर स्टैंडर्ड को अगर आप वंस फॉर ऑल करके पढ़ते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा है भी नहीं करने के लिए. तो ये है हमारा पैराग्राफ नंबर 24 जिसको आपको रखना है याद. क्वेश्चन नंबर 7 क्विकली कर लेते हैं, कैलकुलेटर पर समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. इन द प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट, 5,000 metric tons ऑफ इनपुट वर इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन अ वेस्टेज ऑफ 300 metric tons. सी नॉर्मल वेस्टेज होता है 5%, तो 5,000 का 5% तो होता है 250, लेकिन एक्चुअल वेस्टेज हुआ है 300, मतलब 50 का क्या है, एबनॉर्मल वेस्ट.
कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट इज 1000 एंड द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज इन स्टॉक एट द ईयर एंड, इफ द वेस्ट हैज नील रियलाइजेबल वैल्यू व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे आएगी याद ऑफ अ टॉपिक नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग, है ना दोस्तों, याद कर लो प्रोसेस कॉस्टिंग। हम ये चैप्टर पढ़ते थे, ठीक इसी तरह होता था, प्रोसेस अकाउंट बनाते थे, डेबिट में लिखते थे टू डायरेक्ट मटेरियल, क्रेडिट में लिखते थे बाय नॉर्मल लॉस, फिर बाय एबनॉर्मल लॉस और फिर बाय प्रोसेस टू अकाउंट। ठीक उसी तरह का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको करना है कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। सो एज पर पैरा 13 ऑफ AS2, अब ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है, हर बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको एक एक पैराग्राफ याद रहे, अरे भाई स्टैंडर्ड का नंबर याद रहे यही बहुत बड़ी बात है। एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट आर इंक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड सच कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। ओके, एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्ट आर एक्सक्लूडेड होना चाहिए। ओके, इन दिस केस नॉर्मल वेस्ट इज 250 मेट्रिक टन एंड एबनॉर्मल वेस्ट इज 50 मेट्रिक टन। अब हमें करना क्या होगा, हमें उसका रेट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे रेट, हमने टोटल पे किया है कितना, कॉस्ट पर मेट्रिक टन इज रुपीज 1000 इंटू 5000 मेट्रिक टन, वी पेड 4750 रुपीज। समझ में आ रहा है, हाउ मच वी पेड 4750। अब आपको याद हो मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आपको सिखाया व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट पर मेट्रिक टन। सो उसका फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, है ना। सो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 1000 रुपीज इंटू 5000 मेट्रिक टन। ऐसे टाइम पे कैलकुलेशंस भी याद नहीं आते, दैट बिकम्स 50 लाख रुपीस और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल इनपुट क्वांटिटी, कितनी है टोटल इनपुट क्वांटिटी 1000, है ना, नहीं 5000 सॉरी, और नॉर्मल लॉस क्वांटिटी है 5%, तो 5000 का 5% होता है 250, मतलब 4750 मेट्रिक टन। तो हमें जाके मिलेगा इफेक्टिव कॉस्ट पर मेट्रिक टन जो कि है 1052.63। आप देखोगे मैंने ये आंसर दिया है उससे मैच हो रहा है, 1052.63, है ना। द कॉस्ट ऑफ 250 मेट्रिक टन विल बी इंक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बिकॉज वो नॉर्मल लॉस है, लेकिन जो 50 मेट्रिक टन का एबनॉर्मल लॉस है अब उसका वैल्यूएशन करना है। तो वैल्यूएशन बहुत सिंपल है, हमारा पर मेट्रिक टन कॉस्ट कितना हो गया है 1052.63, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 मेट्रिक टन से और ये जो अमाउंट है दैट्स एन एबनॉर्मल लॉस दैट विल बी चार्ज टू PNL अकाउंट। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट हम ये निकाल चुके हैं। सो बहुत रिलेटेबल है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपके बुक्स में क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 इज योर होमवर्क। आई हैव गिवन यू फाइनल आंसर्स फॉर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ यू लिसन टू माई एंटायर लेक्चर केयरफुली, if you have understood each and everything what I have explained you in today's lecture, and if you have been with me focused, determined, concentrated in last 8 questions, you will certainly get answers for those 3 questions as well. So let's do the last question before we conclude this topic and accounting standard 2. How will you value the inventory per kg of FG consisted of material cost, direct labor, direct variable production overheads? ठीक है, सो मटेरियल कॉस्ट दिया है आपको कि पर केजी फिनिश गुड बनाने के लिए 100 रुपीज़, लेबर 20 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज़। फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख केजी इज ₹10 लाख। ठीक है, सो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 10 लाख रुपीज़ और नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख केजीज, मतलब हाउ मच इज द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर केजी। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख दैट कम्स ₹10 पर केजी। क्या सिखाया था मैंने आपको, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। 2000 केजी ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन गुड्स आर इन स्टॉक एट द ईयर एंड, तो हमें ये 2000 केजी का करना है वैल्यूएशन। तो कैसे किया जाएगा वैल्यूएशन, आसान है, 100 रुपीज़ मटेरियल प्लस 20 रुपीज़ लेबर, 120 प्लस 30 रुपीज़ वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस
₹10 फिक्स्ड ओवरहेड्स, सो ₹140 इज द कॉस्ट पर केजी, और ये 140 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 केजी से, जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी है. सो दोस्तों हमें मिल जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज 2,80,000. अब आपको लग रहा है कि यार ये आंसर निकालना तो बहुत आसान है, चुटकियों में निकाल लिया आंसर, मुझे समझ में आ गया, एग्जाम में निकालूंगा. आपको समझ में आया, बट एग्जाम में आपको वैल्यूअर को ये समझाना है कि आपको समझ में आया, क्योंकि अगर आप उसको नहीं समझा पाए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, और उसको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो समझ लेना आपको कुछ समझ नहीं आएगा. आई होप आपको समझ में आया जो मैंने कहा है. दोस्तों मैं हमेशा क्लास में आपसे कहता हूँ और आज भी वही चीज़ कहना चाहूँगा, डोंट ट्राई टू शो व्हाट यू वांट टू शो इन द पेपर. वैल्यूअर विल ऑलवेज ट्राई टू सी व्हाट ही वांट्स टू सी इन द पेपर. वो पेपर में ये जो मॉडल आंसर शीट उसके पास है, वो मॉडल आंसर शीट में जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस वहाँ देखना चाहेगा. सिर्फ डायरेक्ट आंसर से काम होने वाला नहीं है. इवन दो क्वेश्चन आसान होता है, इजी होता है, बट आपको वो आसान और इजी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ वैल्यूअर को दिखाना पड़ता है. तो आई थिंक आपको सब समझ में आया है किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से उसको आंसर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है. 9, 10 and 11 इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. तो इसी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है समाप्त, और लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, अपना डिटर्मिनेशन बनाए रखो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, मोटिवेशन बनाए रखो, और फिर हम ज़रूर मिलेंगे अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. थैंक यू वेरी मच.